कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक में जहां सभी लोग घर पर बंद हैं और अपने टाइम पास का जरिया ढूंढ रहे हैं, वहीं फुकरे एक्टर अली फजल ने इन दिनों शुरू कर दी है फिल्म की स्क्रिप्टिंग। अली फजल एक स्लाइस ऑफ लाइफ पीरियड फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लॉकडाउन वर डिफिकल्ट बिकॉज लाइक एवरीवन एल्स आई वॉज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द न्यू नॉर्मल। दैट्स व्हेन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ आर्ट एंड सिनेमा एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन एन आइडिया। इट्स अ पीरियड फिल्म with a bittersweet quality to it, a slice of life story which cherishes life. At a time like this, it's necessary to look at life from a fresh perspective, and I hope I am able to do that with this film. It's a work in progress. Let's see how it turns out. Personal life की बात करें तो अली फजल और रिचा चड्ढा को अब एक साथ 5 साल पूरे हो चुके हैं और इस साल अप्रैल में उनकी शादी होनी थी, बट ये पैंडेमिक के चलते नहीं हो सकी। बट अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों इस साल अक्टूबर में शादी करेंगे। फिल्म्स की बात करें तो अली फजल हमें एक और हॉलीवुड प्रोजेक्ट डेथ ऑन द नाइल में देखेंगे विथ वंडर वुमन गैल गैडॉट एंड आर्मी हैमर।